क्या आप लक में विश्वास करते हैं? सोचिए, अगर एक महिला लगभग 2 मिनट के लिए गहरे समुद्र के पानी में फ्रीज हो जाए तो क्या वह बच सकती है? और अगर आपके सीने में दुश्मन की गोली लगी हो तो क्या आप बच सकते हैं? अगर आपका जवाब हमारी तरह नहीं है तो ये वीडियो देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसे इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं जिन्हें देखकर आपको आश्चर्य होगा कि ये लोग जिंदा कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बगल वाली घंटी को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, सेव्ड बाय स्मार्टफोन। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि स्मार्टफोन बेकार की चीज है, इसमें अधिकतर लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब अमेरिका की सेना का एक जवान अपनी ड्यूटी के दौरान दुश्मन से लड़ रहा था, तभी अचानक एक 7.62 की गोली उनके सीने पर आकर लगी। उस वक्त जवान को ऐसा लगा कि जैसे वह अब जिंदा नहीं बच पाएगा। और कुछ देर बाद जब उसने घाव चेक करने के लिए अपने सीने पर हाथ लगाया तो खून नहीं निकला था, बल्कि उसका फोन आगे की जेब में रखा था जिसमें एक गोली घुसी हुई थी। और तब उस जवान ने राहत की सांस ली और इस तरह से स्मार्टफोन की वजह से एक जवान की जान बच गई। नंबर 2, स्काई हाई स्पोर्ट्स। लगभग सन 1920 में स्काई हाई गेम्स के लिए सिक्योरिटी आज की तुलना में अच्छी नहीं थी। स्टंट वोमैन मिके ग्लाडेज रॉय ने हाई स्काई गेम्स के लिए एक प्लेन को चुना था जिसके छत पर उन्होंने खुद टेनिस का स्टेप तैयार किया था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्लेन टर्बुलेंस होना शुरू हो गया और देखते ही देखते थोड़ी देर में प्लेन क्रैश हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ना कि मिके ग्लाडेज रॉय का क्या हुआ। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मिके ग्लाडेज रॉय इस घटना में उन्हें एक स्क्रैच तक नहीं आया था। इसे आप लक नहीं तो और क्या कहेंगे। नंबर 3, मेटियोर मैडनेस। दोस्तों, रात में सोते हुए अचानक किसी तेज आवाज से लोग अक्सर घबरा कर उठ जाते हैं। और ठीक इसी तरह से अक्टूबर 2021 में कनाडा की रहने वाली रूथ हैमिल्टन जब अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज सुनकर नींद से उठी तो उनके बेडरूम का माहौल बहुत हैरान कर देने वाला था, जिसे देखकर बहुत ज्यादा वह घबरा गई थी। दरअसल रूथ हैमिल्टन के बेडरूम की छत में एक धमाके की वजह से होल हो गया था और वहां एक काला अजीब सा पत्थर मिला था और उस महिला के बाल भी खराब हो गए थे। दोस्तों, उस वक्त तो रूथ हैमिल्टन बहुत परेशान थी, लेकिन बाद छानबीन करने से पता चला कि रूथ हैमिल्टन की छत पर अंतरिक्ष से एक उल्का पिंड गिरा था और वह इतना भारी था कि छत को तोड़ते हुए बेडरूम में आ गिरा और रूथ हैमिल्टन की जान बाल बाल बची। इसे आप लक नहीं तो और क्या कहेंगे। अगर उल्का पिंड रूथ हैमिल्टन के ऊपर गिरता तो क्या होता, जबकि जहां उल्का पिंड गिरा था रूथ हैमिल्टन उससे कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर सो रही थी। नंबर 4, बिटर कोल्ड बागेन होल्म। लगभग सन 1999 में कुछ लड़के लड़कियों का एक ग्रुप बर्फ के पहाड़ पर स्केटिंग करने के लिए गया और वहां सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की तेजी से स्केटिंग करते हुए आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और लगभग 20 सेंटीमीटर बर्फ के अंदर तक बर्फ के पानी में फ्रीज हो गई और अब वह उस समय सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसके सभी दोस्त बहुत परेशान हो गए थे, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ये सोचकर पैनिक हो रहे थे कि शायद उनकी फ्रेंड अब जिंदा नहीं बच पाएगी। वहां पर बहुत से लोग उसे बचाने के लिए आए, लेकिन बर्फ की ऊपरी परत बहुत मोटी थी, उसे हटाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन लगभग 40 मिनट के बाद तक बर्फ में फ्रीज रहने के बाद वह लड़की लोगों की हेल्प से बाहर निकलने में कामयाब हुई। लेकिन उस समय तक उस लड़की की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, उसका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा था और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उसकी हालत वास्तव में बहुत खराब हो चुकी थी और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहां लगभग 100 डॉक्टर्स की टीम 9 घंटे की शिफ्ट में उसका इलाज करने में लगी थी और लगभग 24 घंटे बाद डॉक्टर की मेहनत रंग लाई और उस लड़की को होश आ गया और साथ में उसका हार्ट भी सही से काम करने लगा था। दोस्तों, ऐसे कम ही लोगों के साथ होता है जो मौत के मुंह से वापस आने में सफल हो पाते हैं। अब आप ही बताइए, इसे आप लक नहीं तो क्या कहेंगे। नंबर 5, फेयर्स अनफोल्डिंग। मार्च 2017 में भारत के एक पहाड़ी एरिया में
बहुत बारिश हो रही थी। लोगों ने लैंडस्लाइड के डर से अपने वाहनों से रोड क्रॉस करना बंद कर दिया था, लेकिन एक व्यक्ति जो कार में सवार था वो किसी की बात नहीं माना और उसने अपनी कार भारी बारिश के बीच रोड से क्रॉस करने की कोशिश की। तभी पहाड़ से पानी के साथ मिट्टी का बहाव रोड पर आ गिरा, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की गाड़ी रोड पर फंस गई और देखते ही देखते पानी बढ़ने लगा और कार डूबने लगी। तब उस व्यक्ति के चीख पुकार करने पर वहां के स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की और उस व्यक्ति को बहुत ही कोशिश करने के बाद उसे बाहर निकाल लिया गया और उसकी जान बच गई। अगर थोड़ी देर और कोई मदद नहीं करता तो उस व्यक्ति का बचना संभव नहीं था। लेकिन दोस्तों, उसकी कार पानी में बह गई थी, लेकिन वो मौत को मात देने में कामयाब रहा। तो दोस्तों, आप ही बताइए, इसे आप अच्छा लक कहेंगे या सही वक्त पर मदद करने वाले लोगों की समझदारी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी टॉप 5 लकीस्ट लोगों की मौत को मात देने की रोचक कहानी। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक ऐसी और किसी धमाकेदार वीडियो के साथ।